ओके, देखिए कल मैंने बताया था कि जो सोलेनोइड होती है वो एज अ बार मैग्नेट बिहेव करती है. ओके, इसका एक पोल साउथ बन जाता है, एक पोल नॉर्थ बन जाता है. सो सोलेनोइड इज इक्विवेलेंटली बिहेव लाइक अ बार मैग्नेट. अब आइए पढ़ते हैं आगे. गुड इवनिंग सर. गुड इवनिंग. ओके, ये वीडियो हो गई थी. चलिए आज स्टार्ट करते हैं बार मैग्नेट. बार मैग्नेट स्टार्ट करते हैं. हाँ ठीक है आर्यन, आप साउंड थोड़ा ज़्यादा है, बैकग्राउंड में बंद रखिएगा इसको. सो बार मैग्नेट है बेटा. अब ये देखिए बार मैग्नेट है, सब लोग जानते हैं बेटा. तो इसमें एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है. ये जो कोने आपको दिख रहे हैं जहाँ पर दो मैंने पोल बना रखे हैं, पी बना रखे हैं, यहाँ पर नॉर्थ पोल और साउथ पोल सिचुएटेड होते हैं और इनको हम बोलते हैं इनके मैग्नेटिक पोल्स. सो दीज पोजिशंस आर कॉल्ड मैग्नेटिक पोल्स. और साउथ से लेके नॉर्थ की तरफ ये जो वेक्टर ओरिजिनेट हो रहा है, दिस इज़ द वेक्टर ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कैपिटल एम. जो कल मैंने बताया था कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज इक्वल्स टू होता है पोल स्ट्रेंथ मल्टीप्लाइड बाई इफेक्टिव लेंथ. इफेक्टिव लेंथ को मैंने 2L कहा था. ठीक है, यस, दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक लेंथ. इसी को 2L बोलते हैं, पोल टू पोल के बीच की दूरी. अब समझने की कोशिश कीजिए कि यहाँ पे दोनों PP लिखा है, मतलब ये भी पोल है वो भी पोल है, दोनों की पोल स्ट्रेंथ इक्वल होंगी इसलिए PP लिखा है. मतलब मैंने जो M बोला था पोल स्ट्रेंथ को किसे शो करते हैं, स्मॉल m. तो दोनों की पोल स्ट्रेंथ इक्वल हैं. बट एक चीज़ और याद रखें कि पोल स्ट्रेंथ का जो नेचर होगा दोनों का अपोजिट होगा. एक पोल स्ट्रेंथ अगर पॉजिटिवली ट्रीट मानते हो आप तो एक पोल स्ट्रेंथ निगेटिवली ट्रीट मानेंगे एज अ फॉर्म ऑफ वेक्टर. अब ये देखिए ज्योग्राफिक लेंथ. ज्योग्राफिक लेंथ मतलब मैग्नेट की एक्चुअल लंबाई, उस मैग्नेट की पूरी जो लेंथ होती है दैट इज कॉल्ड ज्योग्राफिक लेंथ. एंड टू एंड लेंथ इज कॉल्ड ज्योग्राफिक लेंथ है आपके सामने, ये है. नाउ सो व्हाट इज बार मैग्नेट अबाउट. सबसे पहले पढ़ते हैं मैग्नेटिक एक्सिस क्या होती है. मैग्नेटिक एक्सिस पढ़िए हंसिका. व्हाट इज मैग्नेटिक एक्सिस. द लाइन जॉइनिंग द पोल्स ऑफ द मैग्नेट इज कॉल्ड मैग्नेटिक एक्सिस. एग्जैक्टली, पोल को ज्वाइन करने वाली लाइन को, एक इमेजिनरी लाइन को दोनों पोल से ज्वाइन कर दो. एक अपने मन से इमेजिनरी कोई लाइन ले लो, यहाँ मैं लेके दिखाता हूँ आपको, और आप उस लाइन को ज्वाइन कर दो, दैट लाइन इज कॉल्ड मैग्नेटिक एक्सिस. ये देखिए, सपोज ये आपका मैग्नेट है, दिस इज साउथ पोल एंड दिस इज नॉर्थ पोल. तो एक्सेस को ज्वाइन कर दो, दिस इमेजिनरी लाइन इज कॉल्ड, दिस इमेजिनरी एक्सेस इज कॉल्ड मैग्नेटिक एक्सेस. इसको हम मैग्नेटिक एक्सेस कहते हैं. यस, नेक्स्ट लाइन बेटा, द डिस्टेंस. द डिस्टेंस बिटवीन द पोल्स ऑफ द मैग्नेट इज कॉल्ड मैग्नेटिक लेंथ ऑफ द मैग्नेट. एग्जैक्टली, द डिस्टेंस बिटवीन द पोल्स ऑफ द मैग्नेट इज कॉल्ड मैग्नेटिक लेंथ ऑफ द मैग्नेट. थर्ड पॉइंट, the distance between the ends of the magnet is called the geometrical length of the magnet. Exactly, so two type of length are there guys. One is geometrical length, that is the complete length of the magnet end to end length, and second length is the magnetic length, that is the distance between pole to pole. So clearly the magnetic length is shorter than the geometric length. Magnetic length yahan pe choti hai aur geometric length thodi si badi hai. Okay, so नियरली अबाउट इट इज 84%. कल मैं बता रहा था ना 81 के आसपास बोल रहा था, मुझे याद नहीं था. सो द मैग्नेटिक लेंथ इज एंड ज्योमेट्रिकल लेंथ इज द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक लेंथ एंड ज्योमेट्रिकल लेंथ इज नियर अबाउट 0.84. और 0.84 को अगर आप सॉल्व करो सो यू कैन राइट इट 84/100. समझ गए ना, मतलब मैग्नेटिक लेंथ अगर 84 है तो ज्योमेट्रिकल लेंथ कितनी होगी, 100. तो 100 में से 84 कितना कम है, 16 कम है. 16 मतलब 6 इधर कटेगी और सॉरी 8 इधर कटेगी और 8 इधर कटेगी. अगर 100 मीटर का मैग्नेट है आपका, 100 सेंटीमीटर का, तो 8 सेंटीमीटर यहाँ पे कट जाएगा और 8 सेंटीमीटर यहाँ पे कट जाएगा. मतलब आपका जो मैग्नेटिक पोल है एकदम कोने से कितना अंदर होगा, 8 सेंटीमीटर. बोलो समझ में आया. सो दैट्स वाई इट इज 0.84. इज इट क्लियर गाइज, इज इट क्लियर टू यू ऑल, यस ऑर नो? Yes, वेरी गुड. नाउ नेक्स्ट, नाउ वी टॉकिंग अबाउट द मैग्नेटिक डाइपोल एंड मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट. वट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल? अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस विच केप्ट वेरी नियर टू ईच अदर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल. वी हैव स्टडीड अबाउट द इलेक्ट्रिक डाइपोल. वेन अ कॉम्बिनेशन, वेन अ पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस आर केप्ट वेरी नियर टू ईच अदर,
जब दो इक्वल और अपोजिट चार्जेस बहुत एक दूसरे से बहुत पास में रखे जाते हैं, दैट पर्टिकुलर अरेंजमेंट इज कॉल्ड वॉट? इलेक्ट्रिक डाइपोल. सिमिलरली हेयर वेन टू इक्वल एंड अपोजिट पोल्स, वेन टू इक्वल एंड अपोजिट पोल्स मीन्स ऑब्वियसली नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल केप्ट वेरी नियर टू ईच अदर, देन दिस कॉम्बिनेशन, दिस अरेंजमेंट, दिस सेटअप इज कॉल्ड मैग्नेटिक डाइपोल. ओके सो लेट्स टॉक अबाउट मैग्नेटिक डाइपोल. ओके, अ पेयर ऑफ मैग्नेटिक पोल्स इक्वल एंड अपोजिट स्ट्रेंथ. ओके, इक्वल एंड अपोजिट. मैग्नेट में क्या होती है? चार्ज तो होता नहीं, स्ट्रेंथ होती है. इक्वल एंड अपोजिट स्ट्रेंथ सेपरेटेड बाई ए फाइनाइट स्मॉल डिस्टेंस इज कॉल्ड मैग्नेटिक डाइपोल. राइट ऑन द क्वेश्चन गाइज, वॉट इज मैग्नेटिक डाइपोल? वॉट इज मैग्नेटिक डाइपोल? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. मैग्नेटिक डाइपोल, अ पेयर ऑफ मैग्नेटिक, ए पेयर ऑफ मैग्नेटिक पोल्स ऑफ इक्वल एंड अपोजिट स्ट्रेंथ केप्ट वेरी नियर टू ईच अदर इज कॉल्ड मैग्नेटिक डाइपोल. दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड मैग्नेटिक डाइपोल. Let's talk. Likewise, there is electric dipole. We have defined electric dipole moment. What is electric dipole moment? Electric dipole moment is defined as the product of either of the charge and distance between the charges. Electric dipole moment, maybe you remember, P equals to 2Q into L or Q into 2L. So what is it? It is the product of either of the charge and the distance between them. Likewise here, what is magnetic dipole? It is the product of either of the pole strength multiplied by distance between them. Yes, so it would be M equals to capital M equals to M into 2L, because pole strength kitni hoti thi, small m, aur dono charges ke beech ki duri kitni, poles ke beech ki duri kitni, 2L. So we can define the magnitude of dipole moment is the product of the pole strength small m and the separation between the poles 2L. Very, 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 very important. So magnetic dipole moment M is equals to M into 2L into I. This is for the magnet. This is for a bar magnet. And for a circular loop, we have defined yesterday, M equals to IA. Unit is ampere meter square. So here also, unit of electric dipole moment is ampere meter square. यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इक्वल्स टू एम्पियर मीटर स्क्वायर. कल हमने पढ़ा था आई ए से जो यूनिट बनी थी दैट इज एम्पियर मीटर स्क्वायर. बनी थी नहीं बनी थी? डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की यूनिट बनी थी एम्पियर मीटर स्क्वायर. गाइज अब एक फायदा इस यूनिट का देखो, कैपिटल एम की यूनिट कल मैंने बना दी थी एम्पियर मीटर स्क्वायर इक्वल्स टू स्मॉल एम की यूनिट पता करना है, और 2L मतलब लेंथ. लेंथ क्या होती है? मीटर. तो मीटर से एक मीटर कैंसिल. कैपिटल स्मॉल एम मतलब पोल स्ट्रेंथ की डायमेंशन क्या होगी? एम्पियर मीटर. तो ये लिखा है द एसआई यूनिट ऑफ पोल स्ट्रेंथ इक्वल टू एम्पियर मीटर. ये डाइपोल की नहीं दी है, तो डाइपोल की लिख मारो. ये दी है किसकी? पोल स्ट्रेंथ की. ये स्मॉल एम की दी गई है ना. और डाइपोल की क्या होगी? कैपिटल एम की क्या होगी? एम्पियर मीटर स्क्वायर. और इसमें मीटर का डिवाइड कर दो तो बन जाएगी पोल स्ट्रेंथ की. करेक्ट, डन. सभी को आया समझ में अच्छे से? यस सर. ओके, एंड द यस सर, यस. एंड द डायरेक्शन ऑफ द डाइपोल मोमेंट इज फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल अलोंग द एक्सिस ऑफ द मैग्नेट. सभी लोग जानते हैं कि जो डायरेक्शन जा रही है डाइपोल मोमेंट की, इट इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ अलोंग द एक्सिस ऑफ द मैग्नेट. यस, चलिए लिख लीजिए. डायरेक्शन इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ अलोंग द एक्सिस ऑफ द मैग्नेट. इट इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ. Along the axis of the magnet, it is south to north. Okay, next question. Write Coulomb's law of magnetism. Write Coulomb's law in magnetism. So in electrostatics, we have studied the Coulomb's law. F is proportional to the product of charge Q1 into Q2. And F is proportional to the product of the, inversely proportional to the square of the distance between the charges. F is inversely proportional to R square. फर्क क्या है भाई? यहाँ पे चार्ज की जगह पोल स्ट्रेंथ आ गई है.
तो बस बहुत ही सिंपल लॉ बनने वाला है बच्चों, फर्स्ट लॉ, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन द टू मैग्नेटिक पोल्स इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर पोल स्ट्रेंथ, मीन्स फर्स्ट लॉ विल बी वुड बी एफ प्रोपोर्शनल टू एम वन इन टू एम टू एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दैम, मीन्स एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आर स्क्वायर. बच्चों वहाँ पर क्या था, एफ इज प्रोपोर्शनल टू क्यू वन इन टू क्यू टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा, एफ इज प्रोपोर्शनल टू एम वन इन टू एम टू. वहाँ पर क्या था, एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, यहाँ भी रहेगा एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर. हंसिका रीड करिए, द फोर्स, The force of attraction or repulsion between two magnetic poles is directly proportional to the product of their pole strengths and inversely proportional to the square of the distance between them. Exactly. So let us, we have a two magnetic poles for the from the separate magnets. First pole may be M1, pole strength M1. Second may be pole strength M2. And the distance between the pole strength may be R. Then we can write F is proportional to M1 into M2. F is inversely proportional to R square. बेटा इसको सही कर लेना. This is F is inversely proportional to R square. So now give it equation number one. Give it equation number two. Combine them. So if you combining them both, then you will have F is proportional to M1 M2 whole divided by R square. Proportionality को eliminate करिए. You will have a constant K. You will have a constant K. They are also in electrostatics. We name the this constant as electrostatic constant. But यहाँ पे magnet है, so this constant K is called magnetostatic constant. Their name is electrostatic. Here the name is magnetostatic. Here, okay. So magnetostatic. वहाँ पर K की value क्या होती थी? 4 pi epsilon naught. और यहाँ पर K की value होगी बच्चों mu naught upon 4 pi. अब पूरे जब तक magnet चलेगा, तब तक बच्चों आपका constant क्या चलेगा? म्यू नॉट बाई फोर पाई. आई थिंक ये बायोट सेवर्ट लॉ में भी आ चुका ना एक बार. हाँ, सो दिस इज म्यू नॉट अपॉन फोर पाई. तो बच्चों मस्त नोट करो, एकदम बेहतरीन, एकदम एम वन एम टू फोर पाई म्यू नॉट अपॉन फोर पाई आर स्क्वायर. डन. Clear? Yes, sir. In electrostatics, we have a constant there, we have a term there, epsilon naught. That is called permittivity of free space. Here also, a new term is there, mu naught. Mu naught is called permeability. So, right guys, mu naught is permeability of free space. Permeability, P-E-R-M-E-A-B-I-L-I-T-Y, permeability of free space. Okay, so what is mu naught? Mu naught is the permeability of free space. क्योंकि दोनों magnet pole के बीच में यहाँ पे क्या भरा हुआ है? हवा भरी हुई है, तो इसलिए free space आएगा. अगर दोनों magnet के बीच में यहाँ पर पानी भर देंगे तो mu naught नहीं आएगा, फिर वहाँ आएगा mu water. क्या आएगा? Mu water. And that time you will say that permeability of the water. तो उस समय आप पानी भर देंगे तो water आएगा. तो जो भर दोगे वो वाला मीडियम वहाँ पर आ जाएगा. अब बच्चों म्यू नॉट अपॉन फोर पाई की वैल्यू लिखो. लिखो द वैल्यू ऑफ म्यू नॉट अपॉन फोर पाई इज अ कॉन्स्टेंट. द वैल्यू ऑफ म्यू नॉट अपॉन फोर पाई इज अ कॉन्स्टेंट एंड म्यू नॉट इक्वल्स टू फोर पाई इंटू 10 की पावर माइनस 7. म्यू नॉट इक्वल्स टू फोर पाई इंटू 10 की पावर माइनस 7. टेस्ला होगा ना? हाँ, टेस्ला है बेटा वो. ओके, दैट इज टेस्ला. यहाँ पे थे हम लोग. सो के इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन फोर पाई एंड म्यू नॉट इज इक्वल्स टू फोर पाई इंटू 10 की पावर माइनस 7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर. टेस्ला मीटर पर एम्पियर. अब आप भूल गए होंगे कि सर ये टेस्ला मीटर पर एम्पियर कैसे आया.
ये हम लोगों ने जब बायोट से वर्ड लॉ मैंने डिराइव कराया था तब मैंने बताया था कि ये टेस्ला मीटर पर एम्पियर कैसे आता है ना। यस सर। हाँ जब वहाँ पे पढ़ाया था अपन ने तब बताया था मैंने कि टेस्ला मीटर पर एम्पियर कैसे आता है। और कोई मजबूरी नहीं, आप इसको टेस्ला मीटर पर एम्पियर ना लिखें तो आप खुद से भी डिराइव कर सकते हैं। मैं आपकी यहाँ पे मदद करता हूँ डिराइव करने के लिए। देखिए मैं इसको आपको डिराइव करके बता देता हूँ कि कैसे डिराइव होगा। ये म्यू नॉट का क्या होगा? बता रहा हूँ, वही बता रहा हूँ। देखिए देखिए अभी आपने जो फॉर्मूला बनाया वो क्या बनाया, एफ फोर्स इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू M1 M2 बाई R2। सो भैया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इक्वल्स टू, ये जान लो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई जो होता है ना वो 10 की पावर -7 तो होता है, बट इसकी यूनिट लिखनी है आपको। तो कैसे लिखोगे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की यूनिट? अगर आपको मेनली यूनिट बनानी है ना, तो कैसे बनाओगे ध्यान से देखो। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई का अगर तुम रोक लेते हो तो एफ के साथ ऊपर कौन चला जाएगा? आर स्क्वायर, और नीचे कौन रहेगा? M1 M2। तो भैया एफ कितना होता है? न्यूटन। आर स्क्वायर क्या होता है? मीटर स्क्वायर। और अभी अभी मैंने पढ़ाया पोल स्ट्रेंथ, एम्पियर मीटर। तो एक एम्पियर मीटर और दूसरा एम्पियर मीटर, मीटर मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल। तो बच्चों यूनिट लिख सकते हो आप न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। तो आप लिख सकते हो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, तो म्यू नॉट की यूनिट तो होगी यही, 4 पाई कांस्टेंट है, कोई यूनिट नहीं होती है। तो आंसर कितना? 10 की पावर -7 न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। नोट कर लीजिए, इस तरीके से भी यूनिट बना सकते हो अगर आपको भूल जाए तो, क्योंकि लॉ आता है अपन को। सो म्यू नॉट इक्वल्स टू 4 पाई इंटू 10 की पावर -7 न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर, ये भी यूनिट बन गई म्यू नॉट की। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 10 की पावर -7 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये भी गलत नहीं है, एकदम सही है। डन। म्यू नॉट इक्वल टू 4 पाई इंटू 10 की पावर -7 न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। अब बच्चों आप अब कहोगे सर वो वाला भी बता दो, ले वो बता देता हूँ। बी इक्वल टू क्या पढ़ा था अपन लोगे? बी इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड इक्वल टू IdL साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, याद आया कुछ? बायोट सेवर्ट लॉ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉ। तो यहाँ पे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कांस्टेंट आया था, यहाँ आया था। अब इसकी यूनिट इससे निकाल लो अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा, तो आपको टेस्ला वाली चाहिए तो इससे निकाल लो। तो बी का मतलब क्या होता है? टेस्ला। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई पता नहीं है यूनिट। आई का मतलब क्या होता है? एम्पियर। एल का मतलब होता है मीटर। साइन थीटा कांस्टेंट है, कोई यूनिट होती नहीं है, रेशियो है। आर स्क्वायर मतलब मीटर स्क्वायर, 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल, 1 मीटर नीचे वाला ऊपर चला गया, टेस्ला मीटर पर एम्पियर क्या बन गया? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। तो बच्चों म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की दूसरी यूनिट क्या बनी? टेस्ला मीटर पर एम्पियर। और मैग्नीट्यूड कितना होता है? 10 की पावर -7। तो बच्चों वैल्यू पूरी लिखेंगे, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इक्वल्स टू 10 की पावर -7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर। एक वैल्यू ये भी है, तो चाहे आप वो यूज़ कर लें ये यूज़ कर लें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। म्यू नॉट की वैल्यू लिख दो, तो म्यू नॉट कितना हो जाएगा? म्यू नॉट हो जाएगा 4 पाई इंटू 10 की पावर -7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर। कहिए सभी को क्लियर है अच्छे से? सर एक बार फिर से बता दो ना। किस वाले को? पहले वाला तरीका कि दूसरा वाला तरीका? मतलब ऐसे 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 रिवीजन बता, यही वाला। देखो भाई बायोट से बर्ट लॉ में आपने पढ़ा था बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आईडीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, बोलो याद है कि नहीं? याद है, याद है सर। बायोट से इसमें से वो दो चीजें कांस्टेंट हो जाएंगे, बस म्यू नॉट अपॉन 4 पाई को रोक लो, समझ गए? हाँ। और बाकी सबको बी के साथ में ले जाओ, ले गए आईडीएल साइन थीटा नीचे आ जाएगा, आर स्क्वायर ऊपर आ जाएगा, बिल्कुल सही। तो देखो क्या बन जाएगा अपने पास क्या बन जाएगा? देखो जैसे ऊपर चला जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई को तुम रोकोगे तो कैसे बनेगा? देखो यहाँ से बी और आर स्क्वायर, देखो ध्यान से, तो यहाँ बी है टेस्ला और टेस्ला मीटर स्क्वायर, बोलो क्लियर? यस सर। आर स्क्वायर ऊपर जाएगा तो टेस्ला मीटर स्क्वायर, आई का मतलब एम्पियर और डीएल का मतलब मीटर, बोलो हाँ?
हाँ सर, और इधर हाँ क्या सर, बचा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल, क्या बन गई यूनिट, टेस्ला मीटर पर एम्पियर, एमपी बस बन गई यूनिट म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की, नोट कर लीजिए। तो ऐसे भी बना सकते हो, वैसे भी बना सकते हो, जैसा मन करे वैसे बना लो, है ना। यस सर। चले रफ करें इसको, आगे चले। चलिए अब बात यस सर, करते हैं कूलम्स लॉ के वेक्टर फॉर्म की। अभी आपने देखा कि फोर्स इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m1 m2 अपॉन r2, ये था। अभी यहाँ पर मैंने फोर्स को स्केलर फॉर्म में लिखा है, वेक्टर फॉर्म में नहीं लिखा, क्योंकि m1 ये पोल स्ट्रेंथ ये थी, m2 पोल स्ट्रेंथ ये थी। अब देखिए, अब ये दोनों के बीच में फोर्स कैसा लगेगा बेटा, अगर ये दोनों पॉजिटिव हैं तो फोर्स कहाँ लगेगा, रेडियली आउटवर्ड, बाहर की तरफ। और अगर ये एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, कहने का मतलब एक नॉर्थ है एक साउथ है, तो फोर्स कहाँ लगेगा, अंदर की तरफ। तो मतलब फोर्स जो लगेगा वो इसको ज्वाइन करने वाले वेक्टर के अलोंग ही लगेगा। तो रेडियस को ज्वाइन करने वाला, डिस्टेंस को ज्वाइन करने वाले वेक्टर का डायरेक्शन कौन देगा, आर कैप, कौन देगा, आर कैप। तो अगर आपको वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखोगे, एफ वेक्टर इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m1 m2 अपॉन आर का स्क्वायर डॉट आर कैप। तो ये हो गया इसका वेक्टर फॉर्म, ठीक है, बोलो समझ में आया कि नहीं आया। यस सर, सो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m1 m2 अपॉन r2 डॉट आर कैप, दिस इज वेक्टर फॉर्म। क्लास 11th में क्या पढ़ के आए हो, यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन, किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर उस वेक्टर की वेक्टर अपॉन उसके मैग्नीट्यूड के इक्वल होता है। तो यहाँ पे आर कैप को क्या लिख सकते हो, गिवन वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड। तो ये देखो, इसको ब्रेक कर दो, सो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m1 m2 इंटू आर कैप, मतलब वेक्टर आर अपॉन उसका मॉड, मॉड आर। अच्छा ध्यान से देखो, ये भी तो मॉड आर ही है दोनों, कुछ नहीं लगा, मतलब मॉड ही तो है। तो इन दोनों को मर्ज कर दो तो क्या बन जाएगा, क्यूब बन जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m1 m2 अपॉन मॉड आर का क्यूब इंटू आर वेक्टर। नोट करिए, दिस इज वेक्टर फॉर्म। समझ में आया सभी को, यस बोलो एक बार अच्छे से कॉन्फिडेंस के साथ। यस सर, चलो ठीक है, हंशिका समझ में आया कि नहीं आया। यस सर, आर्यन क्लियर, जय, हर्षिता, हमें नहीं आया सर, तो क्यों नहीं बोल रहे हो, नहीं सर। चलो देखो, मैंने हाँ भी तो नहीं बोला। अरे तो ना बोलो, जरूरी है ना बोलना। चलो, एफ इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m1 m2 अपॉन r2। ये अपने पास क्या स्केलर फॉर्म था कि नहीं था, बोलो, क्यों, ये स्केलर फॉर्म था कि नहीं था, यस सर, था था स्केलर फॉर्म था। क्या सीन चल रहा था, देखो ये m1 है और ये m2 है। अब इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा वो इसी लाइन के अलोंग तो लगेगा, या तो बाहर हाँ, लगेगा या तो अंदर लगेगा, बोलो, यस, रिपल्सन यस सर, लगेगा तो दोनों एक दूसरे को बिल्कुल धक्का देंगे बाहर की तरफ, और अट्रैक्शन लगेगा तो दोनों एक दूसरे को पास बुलाने की कोशिश करेंगे। मतलब जो भी फोर्स यस लगेगा वो इसी लाइन के अकॉर्डिंग लगेगा। तो यदि इसको आप बाहर मान लेते हो, तो अगर मैं इस वेक्टर के ऊपर एफ वेक्टर लगा दूं और मुझे बाहर वाला फोर्स देना हो, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m1 अप इंटू m2, तो याद करो आर्यन, मैंने कहा तुमको, अपने दोस्त को बताता है कि सिविल लाइन का रास्ता कहाँ है, तो तुम हाथ उठा के बोल दोगे ऐसे, चले जाओ, बोलो हाँ। हाँ तो इसलिए वो यूनिट वेक्टर देने के लिए क्या करोगे आप, वो डायरेक्शन को बताने के लिए क्या करोगे, उस दिशा में उस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर लगा दोगे, पूरा उसको उंगली पकड़ के छोड़ के नहीं आओगे। तो फॉरवर्ड यूनिट डायरेक्शन का वेक्टर, यूनिट वेक्टर क्या है, आर कैप। क्लियर हुआ, हाँ सर, ओके। अब लास्ट ईयर क्या पढ़ा था, ए कैप, किसी का यूनिट वेक्टर मतलब गिवन वेक्टर अपॉन उसका अपॉन मॉड मॉड, बस हो गया। मॉड, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m1 m2
गिवन वेक्टर है वेक्टर आर और उसका मॉड है आर, और ऑलरेडी पहले से क्या एग्जिस्ट कर रहा, आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर और आर दोनों मिल गए तो कितना बन गया, आर क्यूब, बस आ गया आंसर, देख लो, वेक्टर आर अपॉन आर क्यूब, समझ गए, कोई दिक्कत? हाँ सर, तो नो ये सर. है इसका वेक्टर फॉर्म, ठीक है ना। अच्छा अब अगर ये अभी एक्चुअली रिपल्सन की फॉर्म है इसलिए यहाँ पे ये प्लस आर क्यूब है, अगर अट्रैक्शन होगा तो माइनस पीछे लगेगा, तो मैं ज़्यादा अच्छा ये बात बोलूँ तो आप आर कैप के साथ दोनों साइन यूज़ करें प्लस और माइनस, क्योंकि अट्रैक्शन के लिए फिर वो अंदर बुलाएगा। तो इसका यदि करेक्ट एग्जैक्ट यदि देखा जाए तो एफ वैक्टर इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन फोर पाई एम वन एम टू आर स्क्वायर इंटू प्लस माइनस आर कैप, ये है इसका सबसे सुंदर फॉर्म जो बिल्कुल सही है। अब आपसे कोई बोले बोले माइनस क्यों है, बताओ भैया कि अगर ये दोनों पोल अपोजिट होते तो अट्रैक्ट करते इसलिए अंदर की तरफ अट्रैक्ट फोर्स करते लगता इसलिए इसलिए माइनस आ जाता। बोले प्लस क्यों होता, तो बोले दोनों अगर एक ही सेम होते तो भगते सेम डायरेक्ट रिपेल करते तो आपका बाहर मतलब निकल आप बनता। अलग अलग डायरेक्शन रहेगा ना, हाँ दोनों फोर्स बार बार दूर दूर जाते ना, अलग अलग रहेगा, ठीक है। यस चलो क्लियर हो गया यहाँ तक, सबको समझ में आया? हाँ सो हम लोग पढ़ रहे थे यस सर, वेक्टर फॉर्म पे आ जाते हैं हम लोग जहाँ पे थे। यस वेक्टर फॉर्म ये तक कर लिया, नाउ यूनिट भी कर ली थी, म्यू नॉट अपॉन फोर पाई इज ए कॉन्स्टेंट, म्यू नॉट इक्वल टू फोर पाई इंटू टेन की पर माइनस सेवन टेस्ला मीटर पर एम्पियर एम्पियर मीटर। वेक्टर फॉर्म ये लो भाई, बन गया आर क्यूब, नोट कर लो एक बार कॉपी में अच्छे से, हमने तो लिखा दिया फिर भी नोट कर लो, म्यू नॉट अपॉन फोर पाई एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर डॉट आर कैप। चलो तो एक सवाल हो जाए, जय जय जय। स्केलर फॉर्म में फोर्स रेडियस के साथ कैसे वेरी होता है, एफ और आर के बीच में क्या रिलेशनशिप होती है स्केलर फॉर्म में? मैं बोलूं? नहीं जय को बोलने दो, जय बोल दे फिर बताना, जल्दी बताओ जय, 3 सेकंड। स्केलर फॉर्म में एफ और आर की रिलेशनशिप क्या होती है? जय इतना टाइम लगाओगे इस क्वेश्चन में? अब बोलूं सर? हाँ बोलो। मतलब फोर्स जो रहेगा वो रेडियस के मतलब रेडियस जो रहेगा वो फोर्स के दोगुने कम रहेगा, और उसके बाद जो आपका मतलब ये वेक्टर फॉर्म है उसमें तीन गुना कम रहेगा। गुना नहीं बोलो बेटा, गुना मतलब टाइम्स हो जाता है, ऐसे बोलो कि सर वेक्टर स्केलर फॉर्म में जो फोर्स का वेरिएशन रेडियस के साथ होगा वो आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल में होगा, और वेक्टर फॉर्म में जो फोर्स का वेरिएशन होगा वो आर क्यूब के, ऐसे बोलो। हाँ। तो वेक्टर फॉर्म में आर क्यूब वेरी करेगा और स्केलर फॉर्म में आर स्क्वायर, नोट कर लो। एक बार क्वेश्चन आया है नीट में, पूछा गया था कि बताइए फोर्स वेक्टर स्केलर फॉर्म में कैसे वेरी होता है, तो सब कूलम्स लॉ पढ़ के गए थे और सब ने देखा कि 1/r² धड़ाधड़ एकदम मार के आए, 1/r² 1/r² 1/r², ठीक ना, बाहर पता चला कि भैया 1/r³ है क्योंकि वेक्टर फॉर्म लिखा था। चलिए इन वेक्टर फॉर्म, तो ये हो गया एक क्वेश्चन जनरल सा। अब आइए अब पढ़ने वाले हैं कुछ खतरनाक टॉपिक, अब यहाँ से वो चीज़ें शुरू होंगी जो आपको पता नहीं है, और बड़ी स्ट्रांग वाली अब फीलिंग आपको लानी पड़ेगी, स्ट्रांग वाली फीलिंग, क्योंकि ज़्यादातर काम अब मैग्नेटिज्म में फीलिंग बेस पर चलेगा, फीलिंग बेस पर चलेगा, देखिए कैसे, क्योंकि क्यों चलेगा फीलिंग बेस पर, अब धीरे से मैग्नेटिक मटेरियल इंट्रोड्यूस हो जाएगा, अभी तक की दुनिया में केवल मैग्नेट ही मैग्नेट था अभी थोड़ी देर तक, अब मैग्नेटिक मटेरियल आने वाला है, धीरे से मटेरियल इंट्रोड्यूस होने वाला है, तो देखो भाई क्या होने वाला है। तो पहला टॉपिक लिखिए मैग्नेटिक इंटेंसिटी और मैग्नेटाइजिंग फोर्स, अपने आप में बेहद कातिल टॉपिक है, बेहद अद्भुत टॉपिक है, मैग्नेटिक इंटेंसिटी या मैग्नेटाइजेशन फोर्स, मैग्नेटिक इंटेंसिटी या मैग्नेटाइजिंग फोर्स। ओके थोड़ा सा इसमें आपको याद भी करना पड़ेगा, इसमें आपको थोड़ा सा याद भी करना पड़ेगा। चलिए अब आप इसको ऐसे समझिए, इसको फीलिंग को ऐसे समझिए कि ये आपने मैग्नेट लगाया, ये मान लो आपका ये मैग्नेट है और ये मैग्नेट जो है
आपको ये मैग्नेटिक फील्ड फेंक रहा है इधर से, ले साए साए मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है, जा रहा है। इस पॉइंट पर इसकी कुछ ना कुछ तो ताकत होगी, कुछ ना कुछ ताकत होगी। अब ये ताकत बस से अकेले डिपेंड नहीं करता है, ये डिपेंड करता है कि ये जो पॉइंट है ये किस मीडियम में बैठा है, ये किस मीडियम में बैठा है। अगर ये हवा में बैठा है तो इस पर ज़्यादा असर होगा, अगर ये और किसी गाढ़े मीडियम में बैठा है तो इस पर कम असर होगा। कुछ ऐसा कि तुम ये समझ लो, मान लो ये कोई वॉरियर है, फील्ड निकल रहा, वॉरियर्स हैं, सेना है, और ये अटैक करने आ रही हैं, और यहाँ पर कोई फाइटर, कॉम्बैट फाइटर खड़ा हुआ है। अब वो डिपेंड करेगा कि इस पर इसका कितना फोर्स करेगा। अगर ये अकेला खड़ा हुआ है तो इस पर इसका ज़बरदस्त अटैक पड़ेगा, बट अगर इसको चारों तरफ से लोग घेरे खड़े हुए हैं तो इस इंटेंसिटी का इस पर क्या पड़ेगा, कम प्रभाव पड़ेगा। वो चारों लोग क्या है इसको घेरे हुए, वो एक्चुअली मीडियम है। क्या है? मीडियम। वो एक्चुअली मीडियम का असर है। यस, ठीक है। हाँ, तो इसको मैं तुमको ऐसे समझा सकता हूँ, क्योंकि अगर इसकी खुद से डेफिनेशन देखने जाओगे ना तो बहुत प्रॉब्लम होगी आपको। इसको मैं ऐसे समझा सकता हूँ कि अगर मान लो म्यू मीडियम पर जो इसको इंटेंसिटी रियलाइज यहाँ पे हो रही है वो है बी। क्या है इंटेंसिटी? बी। तो पर यूनिट मीडियम में जो इंटेंसिटी रियलाइज होगी वो क्या होगी? बी अपॉन म्यू। बोलो भाई, कुछ समझ में आया कि नहीं आया? एक बार फिर से इस बात को करूँगा कि म्यू मीडियम पर, यहाँ पे म्यू मीडियम रखा हुआ है, अगर म्यू मीडियम पर इंटेंसिटी रियलाइज हो रही है कितनी? बी। जो इंडक्शन ये फील्ड रियलाइज कर रहा वो बी है, तो यूनिट मीडियम पर जो फील्ड रियलाइज करेगा वो कितना होगा? बी अपॉन म्यू। समझ में आया कि नहीं आया? Yes. This is called yes. magnetizing force H equal to B by mu. ये कहलाएगा magnetizing force, या इसी को बोलेंगे magnetizing intensity. समझना बड़ा आसान है। अब अगर mu को बढ़ा रहे हो आप, देखो उसका जो घेरा है वो बढ़ा रहे हो, मतलब medium बढ़ा रहे हो, तो medium जितना ज़्यादा घना करोगे उस पर लगने वाला फोर्स उतना कम हो रहा है कि नहीं हो रहा? देख लो, H कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? H equal to B by mu किया ना बच्चों अपन ने, तो अगर तुम mu को बढ़ाओगे तो H क्या होगा? कम होगा। हाँ या ना? घटेगा। तो अपनी याददाश्त के लिए बादल बनाओ, ये मेरा तरीका, इसलिए बादल बनाओ क्योंकि ये सब बुक में नहीं मिलेगा आपको। तो लिखो म्यू मीडियम पर जो एक्शन हो रहा है फील्ड का बी है, तो यूनिट मीडियम पर जो एक्शन होगा वो कितना होगा? बी अपॉन म्यू। और यूनिट मीडियम पर जो रियलाइजेशन होता है उसी को बोलते हैं मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी, मैग्नेटिक इंटेंसिटी या मैग्नेटाइजिंग फोर्स एच इक्वल टू बी बाई म्यू। नोट करो, H इक्वल टू बी बाई म्यू। म्यू क्या है? परमिबिलिटी ऑफ द मीडियम। अब अगर हवा करोगे तो भाई म्यू नोट कर दो, अगर आप हवा की बात कर रहे हो तो यहाँ पे म्यू नोट कर दो, लिख दो फॉर एयर। अगर आप बात करोगे हवा के लिए तो H इक्वल टू बी बाई म्यू नोट, लिख लो फॉर एयर H इक्वल टू बी बाई म्यू नोट, सब छाप लो, अभी सब भूल जाएगा नहीं तो। और आज का ये टॉपिक आज पढ़ के दे देना, नहीं तो गारंटी में सब भूल जाएगा आप लोग को। आज का टॉपिक टफ है थोड़ा सा, H इक्वल टू बी बाई म्यू नॉट। सो अब एक चीज़ और बता दूँ इससे आने वाले भविष्य में जो आपको परेशान करेगी। क्या क्या पढ़ा? H इक्वल टू म्यू मीडियम के लिए H इक्वल टू बी बाई म्यू, तो यदि मैं यहाँ से B निकालूँ तो B इक्वल टू कितना निकलेगा? म्यू H, ये नोट कर लो। और हवा के लिए भी बात करूँ तो क्या देखा आपने? H इक्वल टू B अपॉन म्यू नॉट, तो हवा के लिए क्या निकलेगा? B इक्वल टू म्यू नॉट इंटू H, तो ये भी नोट कर लो और ये भी नोट कर लो। ये सब बादलों के अंदर नोट कर लो, क्योंकि अभी जब आएंगे तो आपको बड़ी परेशानी देंगे ये सब। सो दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक इंटेंसिटी, मैग्नेटाइजिंग फोर्स। ठीक है ना? मैग्नेटाइजिंग फोर्स, ठीक है। चलिए देखते हैं अब इसको। ओके, मैग्नेटाइजिंग फोर्स के डेफिनेशन पढ़िए, हंसिका पढ़िए। मैग्नेटिक इंटेंसिटी
मैग्नेटिक इंटेंसिटी एट अ पॉइंट इज द फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ नॉर्थ पोल ऑफ यूनिट पोल स्ट्रेंथ प्लेस्ड एट द पॉइंट ड्यू टू पोल स्ट्रेंथ ऑफ द गिवन मैग्नेट एच इज इक्वल टू बी अपॉन म्यू. लिखिए मैग्नेटिक इंटेंसिटी एट अ पॉइंट इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ यूनिट नॉर्थ पोल यूनिट पोल स्ट्रेंथ प्लेस्ड एट दैट पॉइंट. नोट करिए किसी फील्ड में जो यूनिट पोल जितना फोर्स महसूस करेगा फोर्स एक्सपीरियंस करेगा उसको बोलेंगे आप क्या मैग्नेटिक इंटेंसिटी. नोट करिए इस डेफिनेशन को मैग्नेटिक इंटेंसिटी एट अ पॉइंट इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ नॉर्थ पोल ऑफ यूनिट पोल स्ट्रेंथ नॉर्थ पोल ऑफ यूनिट पोल स्ट्रेंथ. ओके यस. अब ये दूसरा पॉइंट जो है बच्चों ये रटने वाला है हालांकि आपके यूज का नहीं है मत लिखो कोई काम का नहीं है. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड मैग्नेटोमोटिव फोर्स पर यूनिट लेंथ. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड मैग्नेटोमोटिव फोर्स पर यूनिट लेंथ. तो ये हायर स्टडीज में आपको काम में आएगा अभी का कोई मतलब नहीं है. यस व्हाट इज दिस सेकेंड थर्ड पॉइंट. अब थर्ड पॉइंट फिर से रियलाइज करने वाली बात आ गई है मैग्नेटाइजिंग फोर्स. मैंने कहा ना कि मैग्नेटाइजिंग फोर्स या मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी ये बताती है मैग्नेटाइजिंग फोर्स या मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी कि सामने वाले पॉइंट को कितना जोर का प्रभाव पड़ा है. तो अगर मैग्नेटाइजिंग फोर्स ज़्यादा है अगर मैग्नेटाइजिंग फोर्स ज़्यादा है मतलब इसने सबस्टांस को बहुत जोरों का मैग्नेटाइज किया है और अगर मैग्नेटाइजिंग फोर्स कम है इसका मतलब इसने अगर मैग्नेटाइजिंग फोर्स कम है इसने मतलब इसने कम धीरे से कम मैग्नेटाइज किया है. चलो भागो इधर से भागो भागो यहां से भागो. चलिए देखिए बच्चों सो व्हाट इज मैग्नेटाइजिंग फोर्स. पॉइंट नंबर थर्ड पे आइए. इट कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज द डिग्री और एक्सटेंट टू विच अ मैग्नेटिक फील्ड कैन मैग्नेटाइज अ सबस्टांस. लिख लो बच्चों ये क्योंकि इसका नाम है क्या मैग्नेटाइजिंग फोर्स एंड मैग्नेटिक इंटेंसिटी. मैग्नेटिक इंटेंसिटी देखिए जैसे एग्जाम्पल के लिए समझो मान लो कि ये तुम्हारे चार छः बुरे दोस्त हैं ये तुम्हारे मोहल्ले में आते हैं और अब तुम बैठे पढ़ाई कर रहे हो मस्त किताब खोल के सामने पढ़ाई कर रहे हो ठीक है ना. अब ये दोस्त हैं ये तुम्हारे ऊपर अपना प्रभाव छोड़ने आए हैं बाहर खड़े होकर गाड़ी का हॉर्न बजा रहे हैं आजा 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 कहाँ लगा है. अब तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम्हारे ऊपर इसका प्रभाव कितना जोर का होगा. अगर ये अपने फील्ड में आपको इन्फ्लुएंस कर लेते हैं जोरदार मतलब इनकी मैग्नेटिक इंटेंसिटी कितना इन्फ्लुएंस कर रहे हैं तो कह रहा है द डिग्री एज द डिग्री ऑफ एक्सटेंट टू विच अ मैग्नेटिक फील्ड कैन मैग्नेटाइज. आप इनके प्रभाव में कितना मैग्नेटाइज हो रहे हो कितना जल्दी इनके प्रभाव में कितना ज़्यादा प्रभाव में आ रहे हो उस प्रभाव को उस अमाउंट ऑफ मैग्नेटाइजेशन को आप क्या बोलोगे इंटेंसिटी. समझ गए ना. तो मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी मैग्नेटिक इंटेंसिटी या मैग्नेटाइजिंग फोर्स का मतलब कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट को कितना जोर का मैग्नेटाइज किया है. बोलो समझ में आया कि नहीं आया. ये फीलिंग बेस्ड डेफिनेशन है yes. और ये फॉर्मूला बेस है बच्चों एच इक्वल टू बी बाई म्यू. समझ गए ना. यस क्लियर सभी को. क्लियर मतलब वो कितनी पावर पावर लगा सकता है ना मैग्नेटाइज. एग्जैक्टली कितनी जोरों की पावर लगा सकता है ना कितने कितने ज़्यादा अमाउंट में मैग्नेटाइज कर सकता है. पावर लगाने बस से बात नहीं है सामने वाला मैग्नेटाइज कितने अमाउंट से हुआ है उससे पता चलेगा कि मतलब वो पर गया फील्ड के तरफ अट्रैक्ट हो है ना. हाँ
ठीक है ना, वो पॉइंट कितना ज्यादा उसके अंदर मैग्नेटिज्म क्रिएट हो गया हो। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यस यस, बोले सभी लोग यस कि नो? यस सर। ओके, सो दिस इज पॉइंट नंबर थर्ड भी लिख लीजिएगा। इट कैन ऑल्सो डिफाइंड एज द डिग्री और एक्सटेंट, एक्सटेंट का मतलब मात्रा, टू विच अ मैग्नेटिक फील्ड कैन मैग्नेटाइज अ सबस्टांस, टू विच अ मैग्नेटिक फील्ड कैन मैग्नेटाइज अ सबस्टांस, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, पॉइंट नंबर फोर, इट कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाई यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्लोइंग विद यूनिट वेलोसिटी इन अ डायरेक्शन नॉर्मल टू द मैग्नेटिक फील्ड। कह रहा है इट ऑल्सो बी डिफाइंड एज द फोर्स एक्सपीरियंस बाई द यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्लोइंग विद यूनिट वेलोसिटी इन डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल टू द मैग्नेटिक फील्ड। बच्चों ये एक डेफिनेशन आपकी कोई काम की नहीं है, इसको मत इम्प्लाई करो, हटाओ इसको। हाँ लिखो एसआई यूनिट, एसआई यूनिट लिख लीजिए इसकी। एसआई यूनिट होती है इसकी एम्पियर टन्स पर लीनियर मीटर, लिख लो। एसआई यूनिट इज एम्पियर टन्स पर लीनियर मीटर, एम्पियर टन्स पर लीनियर मीटर, ये इसकी एसआई यूनिट है, एम्पियर टन्स पर लीनियर मीटर, ठीक। सीजीएस यूनिट लिखिए ओरस्टेड, इसकी सीजीएस यूनिट है ओरस्टेड, ठीक है, क्लियर। लिखिए रिलेशन बिटवीन, रिलेशन बिटवीन अच्छा रिलेशन बिटवीन तो ठीक है, ऐसा मत लिखो, जैसी हेडिंग लिखी वैसी लिखो। अब हम क्या बताने वाले हैं आपको, देखिए अब हम आपको बी के साथ रिलेशन बताने वाले हैं। वैसे तो मैंने बता दिया आपको बी इक्वल टू म्यू एच, बी इक्वल टू म्यू एच। बी को क्या बोलते थे हम लोग, बी को क्या बोलते थे, बी को अभी तक इसके पहले जो चैप्टर में हमने बोला था मैग्नेटिक फील्ड बोलते थे। एक्चुअली मैग्नेटिक फील्ड तो एरिया होता है, बी होती थी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। तो लिखो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, अगला टॉपिक लिखिए मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, उसी को क्या बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का दूसरा नाम क्या, स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, उसी को मैग्नेटिक फील्ड। कोई बोल देगा भैया वहाँ मत जाओ वहाँ मैग्नेटिक फील्ड है, मतलब वहाँ पे क्या है बी है, नॉर्मल मैग्नेटिक फील्ड होने का मतलब क्या है बी होना, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होना, समझ गया ना। जैसे हमसे बोलेगा भैया वहाँ देखो इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो कोई बोलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड है मतलब क्या होगा, वहाँ ई होगा, ई मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो अगर आप पूरा ना भी बोलो तो मैग्नेटिक फील्ड ही बोलोगे तो मैं मीनिंग क्या लूँगा, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ से। हाँ दूसरा ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड, इसी को मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं बी को। इसी का तीसरा नाम मैग्नेटिक इंडक्शन, इसी का तीसरा नाम लिख लो मैग्नेटिक इंडक्शन, मैग्नेटिक इंडक्शन। और इसी का चौथा नाम भैया मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। क्यों मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, क्यों? क्योंकि जब मैं अभी आपको पढ़ाऊंगा बी की वैल्यू अगले चैप्टर में, मैं पढ़ाऊंगा फ्लक्स पर यूनिट एरिया, तो फ्लक्स पर यूनिट एरिया क्या कहलाएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। तो बच्चों चारों नाम यही हैं, चारों नाम यही हैं, हाँ चारों नाम यही है। तो इनका रिलेशन किसके साथ पढ़ रहा हूँ मैं, एच के साथ, एच मतलब मैग्नेटिक इंटेंसिटी के साथ मैं रिलेशन पढ़ रहा हूँ। तो अभी अभी मैंने आपको ऊपर लिखवा दिया बी इक्वल टू म्यू एच, लिख लो रिलेशन इज बी इक्वल टू म्यू एच, बी इक्वल टू म्यू एच। तो जो रिलेशन है वो है बी इक्वल टू म्यू एच। एसआई यूनिट बी की, बी की एसआई यूनिट क्या है, वेबर मीटर स्क्वायर कह लो या टेस्ला कह लो, वेबर मीटर स्क्वायर और टेस्ला, दिस इज एसआई यूनिट। डन? यस सर। ओके डन। यस सर। अब देखिए मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी क्या होती है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी क्या होती थी, मैंने आप लोग को इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ाया था, बहुत अच्छे से ध्यान देना, थोड़ी सी नई चीज़ आ गई यहाँ पे। मैंने आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या बताया था, मैंने याद कीजिए आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताया था,
द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस पासिंग थ्रू अ सरफेस पर यूनिट एरिया, शायद आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स याद हो गया, फाई इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस पर यूनिट एरिया. ओके, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस पर यूनिट एरिया. ओके, अगर आपको भूल गया तो मैं थोड़ा सा याद दिलाने की कोशिश करता हूँ, रुक जाइए, आपको सब याद आ जाएगा. हमने क्या पढ़ाया था आपको, याद कीजिए, फ्लक्स डी फाई इज इक्वल्स टू ई डॉट डी एस इलेक्ट्रिक फील्ड में, एंड मैंने बताया था ई डी फाई बाई डी एस. क्या रीजन निकल करके आ रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस पासिंग पर यूनिट एरिया. अरे भैया डी एस नीचे है, मतलब पर यूनिट एरिया, बस इसका भाई बना दो बी. नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस, वहाँ क्या था, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस, यहाँ पे क्या आएगा, नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस पासिंग पर यूनिट एरिया. जी हाँ, नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस पासिंग पर यूनिट एरिया क्या कहलाता है, इसी को बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, बच्चों इसी को बोलते हैं मैग्नेटिक इंडक्शन, और इसी को बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी. लिख लो, इतने सारे नाम हैं, ये लोग बहुत कंफ्यूज करते हैं, एक नाम देना था, इतने सारे नाम दे दिए, बच्चे सोचते हैं कौन सा अलग अलग ना आ गया हो. मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, ये लो भाई मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी. अब हम कहेंगे बेटा हमने इसकी यूनिट क्या पढ़ाई, बोलोगे सर आपने टेस्ला बताई थी. बिल्कुल सही बात है, टेस्ला बताई थी मैंने, और अब इसकी यूनिट क्या होगी. वैसे देखा जाए फ्लक्स किस में नापा जाता है बच्चों, मैग्नेटिक फ्लक्स वेबर में, और एरिया किस में नापा जाता है, मीटर स्क्वायर. तो लिख लो इसकी यूनिट वेबर पर मीटर स्क्वायर. तो टेस्ला का ही दूसरा नाम है वेबर पर मीटर स्क्वायर, टेस्ला का ही दूसरा नाम है वेबर पर मीटर स्क्वायर. तो ये देखिए लिखा है नीचे, इट्स एसआई यूनिट इज वेबर पर मीटर स्क्वायर और टेस्ला. लिख लो अब, तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी क्या होती है, इट इज़ द नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस पासिंग नॉर्मली थ्रू द यूनिट एरिया. नोट करिए मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की डेफिनेशन, लिखिए मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, ये नोट करो ये वाली लाइन लास्ट वाली. व्हाट इज मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी या मैग्नेटिक इंडक्शन या मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, अभी अभी बताया मैंने, नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस मतलब नंबर ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू पर यूनिट एरिया. लिखिए मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इज द नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स पासिंग नॉर्मली थ्रू अ यूनिट एरिया, पासिंग नॉर्मली थ्रू अ यूनिट एरिया ऑफ अ सबस्टेंस. और बाकी ऊपर वाला फॉर्मूला चपका दो, बी इक्वल टू म्यू एच, बी इक्वल टू म्यू एच. सभी बच्चे बोले समझ में आया कि नहीं आया. यस सर. हाँ, ऊपर वाला फॉर्मूला चपका दीजिए, B इक्वल टू म्यू एच, बिल्कुल सेम टू सेम B इक्वल टू म्यू एच, ये वाला फॉर्मूला है ना. हाँ, ये वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, B इक्वल टू म्यू एच. एसआई यूनिट लिख लो बच्चों, वेबर पर मीटर स्क्वायर कह लो या टेस्ला, एसआई यूनिट इज वेबर पर मीटर स्क्वायर या टेस्ला बता दी मैंने. सीजीएस यूनिट गॉस, हम उससे यकीनन बोलोगे सर टेस्ला और गॉस में क्या रिलेशन होता है, तो लिखो बच्चों 1 टेस्ला इक्वल टू 10,000 गॉस, 1 टेस्ला में 10,000 गॉस लाइंस होती हैं. लिखो 1 टेस्ला फील्ड जो होता है 10,000 गॉस के इक्वल होता है. 1 टेस्ला इक्वल टू 10,000 गॉस, मतलब 1 टेस्ला इक्वल टू, ये 1 है परपेंडिकुलर नहीं है, 10,000 को क्या बोलते हैं, 10^4 गॉस. लिखो 1 टेस्ला इक्वल्स टू 10^4 गॉस. समझ में आ गया, 1 टेस्ला इक्वल टू 10^4 गॉस. क्लियर क्लियर. यस सर. यस सर. 1 टेस्ला इक्वल्स टू 10^4 गॉस. तो आपने क्या देखा बच्चों,
आपने मेनली क्या सीखा? नंबर ऑफ लाइंस, मैग्नेटिक लाइंस जो निकलती हैं पर यूनिट एरिया, परपेंडिकुलर निकलने वाली लाइन को क्या बोलते हैं? फ्लक्स। फ्लक्स पर यूनिट एरिया अपना कहलाता है बी। अब आपसे बोला जाएगा मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, तो वेरी सिंपल, अभी तो मैंने बता दिया कि सर जी जो परपेंडिकुलर लाइन निकलती हैं उन लाइन के काउंट को, उनकी गिनती को क्या बोलते हैं? फ्लक्स। लिखो बच्चों कॉपी में, व्हाट इज मैग्नेटिक फ्लक्स, व्हाट इज मैग्नेटिक फ्लक्स, व्हाट इज मैग्नेटिक फ्लक्स, लिखिए। इट इज द नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स, इट इज नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स पासिंग नॉर्मली थ्रू अ सरफेस, पासिंग नॉर्मली थ्रू अ सरफेस, पासिंग नॉर्मली थ्रू अ सरफेस। ओके, तो जब तक नॉर्मली पास हो रही है तब तक वो फ्लक्स है, बट जैसे ही आपने कर दिया पर यूनिट एरिया तो वो बन जाएगा मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, समझ गए ना? तो नंबर अगर जस्ट काउंट करके बता दो कि कितनी पास हो रही हैं, तो उनके काउंट को बोलते हो फ्लक्स। बट यदि फ्लक्स का पर यूनिट एरिया निकाल लिया, मतलब आपने फ्लक्स का घनापन निकाल लिया, कितनी घनी लाइंस हैं, तो अगर फ्लक्स का घनापन की बात करोगे तो दैट इज कॉल्ड फ्लक्स डेंसिटी। क्या कहलाएगा वो? और फ्लक्स डेंसिटी, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, जिसको बी बोलते हैं। तो वैसे देखा जाए तो फ्लक्स की यूनिट क्या होती है बच्चों? वेबर। और नीचे एरिया आ जाएगा तो क्या बन जाएगा? वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो आई होप बड़ा अच्छे से मैंने क्लियर किया है। बोलो समझ में आया सबको? बोलो भैया समझ में आया? यस सर। हाँ, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी क्या बताई? फ्लक्स पर यूनिट एरिया, और केवल लाइंस ऑफ फोर्सेस के काउंट को, गिनती को क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फ्लक्स, दैट इज काउंट इन वेबर, है ना? और फ्लक्स पर यूनिट एरिया क्या कहलाता है? मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक इंडक्शन, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, तीनों एक ही नाम है। रिलेशन भैया तीसरी बार आ गया, लिख लो बी इक्वल टू म्यू एच। म्यू क्या होता है? परमिबिलिटी ऑफ द मीडियम। बी इक्वल टू परमिबिलिटी ऑफ द मीडियम, बी इक्वल टू परमिबिलिटी ऑफ द मीडियम। आज की टॉपिक जिसने नहीं पढ़ी, कल मानता हूँ एग्जाम है, बट आधे घंटे दे देना प्लीज पढ़ लेना बच्चों, नहीं तो तुम्हारा बुरे तरीके से वॉश होगा। परमिबिलिटी ऑफ द मीडियम, ओके, म्यू इज द परमिबिलिटी ऑफ द मीडियम। अब आइए बात कर लेते हैं मैग्नेटिक परमिबिलिटी क्या होती है। फुल मस्त वाली फीलिंग के साथ बात करूंगा। देखो देखो, गर्मी का समय था, दो कैनाल थे, जगह थे, दो चैनल थे जाने के लिए। एक चैनल में बढ़िया मस्त दोनों तरफ एसी लगे हुए थे, ये रेलवे का मान लो इंटरनल कॉरिडोर है प्लेटफॉर्म चेंज करने के लिए, अंदर से आजकल जो अंदर से ज़मीन के अंदर से जो इनसाइड द ग्राउंड बनते हैं कॉरिडोर, वो है। आपको जाना है इस प्लेटफॉर्म से लेके, प्लेटफॉर्म नंबर वन है पूरा ये, और प्लेटफॉर्म नंबर टू है। एक बाहर है और एक ज़मीन के अंदर है, मस्त गर्मी पड़ रही, धूप है, एक बाहर सनलाइट वाला जो है खुले में है, दूसरा ये। तो आप किधर से जाना चाहोगे? एसी वाले के साथ बढ़िया ठंडे में जाना चाहोगे कि गर्म से जाना चाहोगे? बोलो ठंडे वाले से नॉर्मली। तो क्या होगा, यहाँ से 1000 की जनता भरी, 10,000 लोग, और 10,000 में से 8,000 लोग इसी के अंदर आ गए, बल्कि 8,500 लोग इसी के अंदर आ गए। क्यों? क्योंकि ये रास्ता जो है ये है सुगम, सुगम सुगम मतलब आसानी भरा हुआ, ये रास्ता आकर्षित कर रहा है, बुला रहा है। सेम बच्चों यही होता है मैग्नेट के साथ। जब ये मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल है, और मान लो यहाँ पे टारगेट है इसका साउथ है, ये नॉर्थ है और इधर साउथ रखा है घुमा फिरा के जैसे भी। अब क्या है, पहले लाइन्स ऑफ फोर्स की जिम्मेदारी क्या है? नॉर्थ से निकलना और साउथ को जाना। कुछ नहीं मिलेगा तो हवा तो है ही है फिर जाने के लिए, ऐसी बिचारी जाएगी घूम करके, समझ गए ना? हवा की जो सहूलियत है उसको बोलते हैं म्यू नॉट। हवा की सहूलियत, मेरे वर्ड को सुनिएगा, सहूलियत मतलब परमिबिलिटी, परमिबिलिटी। इस वर्ड को हिंदी में मैंने तोड़ा, इंग्लिश में तोड़ा, मैंने बताया भी था मैंने, परमिबिलिटी परमिशन प्लस एबिलिटी, मतलब परमिशन है और कितनी एबिलिटी वाली परमिशन है, अच्छी ज़्यादा एबिलिटी की कम एबिलिटी।
तो अगर बच्चों परमीबिलिटी ज़्यादा बढ़ा दो आप, अब देखो दूसरा सीन क्या है, ये नॉर्थ है ये साउथ है। अगर आपने यहाँ पर एक सॉफ्ट आयरन रख दिया, क्या रख दिया, सॉफ्ट आयरन, तो ये जो लाइन ऊपर ऊपर से कूद कूद करके हवा में जा रही थी ना, ये लाइन जो कोने वाली भी है ना, ये बीच में घुस जाएंगी बिल्कुल, आके बोलेंगे चलो अंदर से, कौन जाए वहाँ हवा में, मतलब ही पूरी इसकी परमिबिलिटियाँ ये पूरी ऐसे निकलेंगी फिर, और घड़ाक घड़ाक से इधर पूरी लाइन निकल जाएंगी, बाहर से कोई लाइन नहीं जाएगी। मतलब इसका जो सहूलियत है, सहूलियत को इंग्लिश में बोलते हैं ईज ऑफ लाइफ, है ना, सुना होगा आप लोगों ने ईज ऑफ लाइफ, तो इसकी सहूलियत कहीं ज़्यादा है। तो ये जो सहूलियत दिख रही है बेटा, इसको फिजिक्स में बोला जाता है परमिबिलिटी। अब जितना ज़्यादा म्यू होगा परमिबिलिटी उतनी ज़्यादा हाई होगी, और जितनी परमिबिलिटी हाई होगी फिर वही वाला गाना बजेगा, बाहरों फूल बरसाओ, ठीक ना, जिससे कि सारा का सारा फ्लक्स बड़े प्रेम पूर्वक अंदर से निकल जाए, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, स्वागत करते हैं आपका। सो दिस टर्म इज कॉल्ड परमिबिलिटी, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं, ये मैंने आपको बताया परमिबिलिटी, तो व्हाट इज परमिबिलिटी, सहूलियत की मात्रा, मात्रा को क्या बोलते हैं, डिग्री और एक्सटेंट। इट इज द डिग्री और एक्सटेंट टू विच अ मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस कैन पास इंटर अ सब्सटेंस। नोट करो भाई, इट इज अ डिग्री ऑफ और एक्सटेंट, ये वो मात्रा है जिससे कि कोई मैग्नेटिक फील्ड जो है, लाइन्स ऑफ फोर्सेस हैं, अंदर जा सकती हैं। अगर ये मात्रा ज़्यादा होगी तो बड़ी अच्छी बात है, समझ में आया। सो दिस इज डिग्री और एक्सटेंट, बोलो समझ में आया, यस और नो? यस सर। हाँ यस सर। यस सर। यस, डिग्री और एक्सटेंट टू विच मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स कैन एंटर सब्सटेंस, दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक परमिबिलिटी। बेटा इसकी SI यूनिट तीन बार बता चुका हूँ, अब नहीं बताऊंगा, टेस्ला मीटर एम्पियर बता चुका, वेबर पर एम्पियर मीटर, और H अपॉन MM, ये अभी बाद में आएगा, हैन H मतलब हेनरी, वो अभी बाद में आएगा तब समझाऊंगा, एच अपॉन एम इनवर्स, एच अपॉन पर मीटर, हैनरी पर मीटर, वो बाद में आएगा, एच होता है हैनरी, तो अभी हैनरी पढ़ाया नहीं, बस लिख लो, अभी हैनरी बाद में आएगा, हैनरी क्या होता है। अब लास्ट लाइन सुन लो, रिलेटिव परमिबिलिटी, रिलेटिव परमिबिलिटी लास्ट लाइन क्या है भाई, रिलेटिव परमिबिलिटी, जब हमने आपको बताया था कि, याद कीजिए, हमने आपको बताया था कि मीडियम की परमिटिविटी एप्सिलॉन मीडियम इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर, ये बताया था मैंने, तो मैंने कहा था रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर इक्वल टू मीडियम की परमिटिविटी अपॉन एयर की परमिटिविटी, मतलब दिया गया मीडियम हवा के रिस्पेक्ट में कितना गाढ़ा है, इसको कहते हैं क्या, रिलेटिव परमिटिविटी। सिमिलरली रिलेटिव परमिबिलिटी, तो किसी मीडियम की परमिबिलिटी हवा की परमिबिलिटी का कुछ ना कुछ गुना ही होगी ना, तो दैट इज कॉल्ड रिलेटिव परमिबिलिटी म्यू आर। सो क्या बन जाएगा, म्यू आर इक्वल टू म्यू मीडियम अपॉन म्यू नॉट, मीडियम की परमिबिलिटी अपॉन एयर की परमिबिलिटी। लिखिए और डिटेल कर दूँ, फिर से देखो, किसी मीडियम की परमिबिलिटी जो होगी बच्चों, कोई मीडियम है जैसे पानी, पानी हवा का गाढ़ा ही तो है ना, तो पानी हवा की परमिबिलिटी का कुछ गुना होगा, म्यू आर गुना होगा, तभी तो गाढ़ा है। सो म्यू आर इक्वल्स टू, कैसे निकालोगे कितना गुना गाढ़ा है, इक्वल टू उस मीडियम की परमिबिलिटी डिवाइडेड बाई हवा की परमिबिलिटी। नोट करो, दिस इज कॉल्ड रिलेटिव परमिबिलिटी, दिस इज कॉल्ड रिलेटिव परमीएबिलिटी। सबको समझ में आया अच्छे से? यस सर। दिस इज कॉल्ड रिलेटिव परमीबिलिटी, ओके, तो ये कहलाता है रिलेटिव परमीबिलिटी। अब इसका एक तरीका कैसे है, आप जानते हो ना कि वो म्यू आर इक्वल टू, लिखो बी मीडियम अपॉन बी एयर, बी मीडियम अपॉन बी एयर, सर ये कैसे आ गया बी मीडियम अपॉन बी एयर, अभी अभी मैंने बताया था बी मीडियम, बी इक्वल टू क्या पढ़ा है मैंने, म्यू एच, तो अगर आप मीडियम की बात करोगे तो बी इक्वल टू म्यू मीडियम इंटू मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी एच, और एयर के लिए क्या आएगा, म्यू नॉट इंटू एच, एच से एच
कैंसिल, देखो क्या आया, म्यू मीडियम अपॉन म्यू नॉट, सॉरी म्यू मीडियम अपॉन म्यू नॉट, यही तो म्यू आर था कि नहीं था बोलो, नोट करो बढ़िया अच्छे से। और लास्ट लाइन यही थी, कहीं पर कोई डाउट है क्या? चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत अच्छा टॉपिक आज कवर हुआ, बड़े अच्छे से कवर हुआ और डिफ़िकल्ट टॉपिक था। और आप लोग इसको अब अच्छे से प्लीज़ करिए, आज की आज कंप्लीट कीजिए, मैं फाइल भेज रहा हूँ, इसको कंप्लीट करके दीजिए, ठीक है। थैंक यू बच्चों, कल पढ़ेंगे भाई इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। तो लास्ट लाइन देख लीजिए, रिलेटिव मैग्नेटिक परमिबिलिटी, इट इज़ द रेशियो ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी ऑफ अ मटेरियल टू इन वैक्यूम। तो भैया मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी मटेरियल की कितनी है, बी, और वैक्यूम की कितनी है, बी नॉट। इसका जो रेशियो होता है वो क्या कहलाता है, म्यू आर। इट कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द मटेरियल टू दैट इन वैक्यूम, मतलब परमिटिविटी ऑफ द मटेरियल, म्यू लिख दो या म्यू मीडियम लिख दो, बात बराबर है, अपॉन म्यू नॉट। बल्ले बल्ले हो गया भाई, बहुत शानदार। चलो भाई, थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड नाइट, थैंक यू बच्चों।